हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी फ्लेवर। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे सोयाबीन और आलू की सब्जी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले सोयाबीन को अच्छे से वॉश करके और इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था। इसके बाद इसका सारा पानी निकाल कर नमक और हल्दी के साथ मैं इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर ले रही हूँ। हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। सोयाबीन को हम अगर फ्राई करके सब्जी में डालें तो उससे सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सेम इसी तरीके से हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, उसमें नमक और हल्दी डालकर इसको भी थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। किसी भी सब्ज़ी में हम आलू को अगर फ्राई करके यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आलू और सोयाबीन को फ्राई करके अलग से साइड पर रख लिया है। ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं अलग से रख रही हूँ। आगे का प्रोसेस करते हैं। ऑयल गरम किया है, उसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। एक तेज़पत्ता, एक थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक इलायची डाला है। इसको एक दो मिनट के लिए चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें हम गार्लिक ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ अदरक ऐड कर रहे हैं। और हम यहाँ पर ऐड करेंगे अनियंस, रफली चॉप किए हुए अनियंस मैंने ऐड किए हैं। और अब हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है। हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक कि अनियंस हमारे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अदरक का जो कच्चापन है वो ना निकल जाए। देखिए, इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है। अब इस टाइम पे हमें ऐड करना है कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। तो चलिए हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। और हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर। रेड चिल्ली को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले को हम लो मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। इसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। बस और कोई मसाले हम ऐड नहीं करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं फ्राई किए हुए न्यूट्रीला और पोटैटो। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। और सभी चीज़ों को हम 5-7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करते रहेंगे मिक्स करते हुए, ताकि सभी मसाले अच्छे से न्यूट्रीला में और आलू में मिक्स हो जाए। कुछ इस तरह से देखिए, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है और इसे हमें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये बहुत इजीली और झटपट बन जाता है। तो इस तरह से आप बनाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्राई हो चुका है मसालों के साथ। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे पानी। पानी को आप अपने कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली रखिएगा। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो, इस सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है मैंने। टमाटर का भी यूज़ नहीं किया है। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनकर रेडी होता है। आप एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसको हमें तब तक कुक करना है जब तक कि सब्ज़ी में बहुत अच्छी सी बॉयल ना आ जाए। देखिए, इस तरह से सब्ज़ी हमें कुक करना है। सब्ज़ी में बॉयल आ चुकी है, सब्ज़ी अच्छे से कुक हो चुकी है। चलिए हम इसको सर्व कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसको गरम गरम रोटी, राइस, परांठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू।